शिवाय। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपति नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। आज हम नरेंद्र सिंह तोमर महाभारत के परम योद्धा परमवीर योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी यहाँ भवानी अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं। ये माँ भवानी का अष्टक है। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम रीम राम रीम। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
जय माँ भवानी, जय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो ये भवानी अष्टक है। न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुख भीरु, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त, कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमंत्रं, न जानामि पूजां न चैनासयोगं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, कुलाचारहीन कदाचारलीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं, दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाशीण दीन सदा जान्य वक्त्र, विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ॐ दुम दुर्गायै नमः। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाये नमः, नमः चंडिकाए। आज हम आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र यंत्र आदि में उपयोग की जाने वाली या साधारण गृहस्थों वाला अपने घर में रखी जाने वाली कुछ विशेष दुर्लभ सामग्री जो कि उपलब्ध नहीं होती, आसानी से तो कतई उपलब्ध नहीं होती, भाग्यवश उपलब्ध होती हैं, दैवीय कृपा से उपलब्ध होती हैं, ईश्वरीय कृपा से उपलब्ध होती हैं। ऐसी कुछ चीज़ों की झलक यहाँ इस फिल्म में कुछ चीज़ों की दिखाएंगे। इस पर पूरी फिल्म हम अभी नवरात्रि में ही आगे लाएंगे, जिसमें बहुत सी चीज़ों का परिचय देंगे। इन चीज़ों के अलावा जैसे अभिमंत्रित धूप बत्ती, अभिमंत्रित धूप बत्ती, अभिमंत्रित अगरबत्तियाँ और अभिमंत्रित अंगूठियाँ, चांदी के छल्ले, तांबे के छल्ले, सोने के छल्ले, कड़े, तांबे का कड़ा, चांदी का कड़ा, सोने का कड़ा, इनका अभिमंत्रित स्वरूप। इसी प्रकार से जो अभिमंत्रित धूप दीप, अगर वो धूप जो रहती है धूप बत्ती या अभिमंत्रित अगरबत्ती जो रहती है वो अलग अलग प्रकार की रहती है। जैसे कि आपका जैसे भैरव के जंजीरे से अभिमंत्रित की गई हो, या मान लीजिए काली का जो शत्रुनाशक प्रयोग है उससे अभिमंत्रित की गई हो, या महाविद्या के किसी भी विद्या से अभिमंत्रित की गई हो, तो महाविद्याओं की अलग अलग महाविद्या की अलग अलग अभिमंत्रित अगरबत्ती रहती है या धूप बत्ती रहती है। इसी प्रकार से दसों महाविद्या की एक बनाई जाती है, वो अलग प्रकार की रहती है। तो ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, कड़े या छल्ले, ये जो है इनका भी परिचय देंगे। और इनके मूल्यों का जहाँ तक सवाल है तो मूल्य हम यहाँ इस फिल्म में नहीं प्रदर्शित कर रहे, लेकिन जो फिल्म इन पर पर्टिकुलर विशेष रूप से इसी विषय पर आएगी, जो अभी आएगी, उसमें हम प्रयास करेंगे कि 3 महीने तक का मूल्य, क्योंकि इनके मूल्य बदलते रहते हैं, उपलब्धता बदलती रहती है, कभी कभी ये पाना बड़ा दुर्लभ हो जाता है और कभी कभी ये मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से केवल 3 महीने के दाम बता पाएंगे, क्योंकि इनके दाम बदलते रहते हैं और उपलब्धताएं बदलती रहती हैं, कभी कभी उपलब्ध नहीं ही होते, कभी कभी उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत घूमना फिरना पड़ता है जंगलों में और दूसरी जगह पे या और मंदिरों पर, तो काफ़ी मशक्क़त से ये चीज़ें हासिल होती हैं, उसी हिसाब से इनके दाम निर्धारित रहते हैं। और जहाँ तक कामिया सिंदूर का सवाल है, तो कामिया सिंदूर डायरेक्ट किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और इसको सिर्फ लॉकेट रूप में, यानी कि पेंडल में या लॉकेट में ही मात्र कोई एक टुकड़ा, छोटा सा, बहुत बारीक टुकड़ा, वो बस दिया जाएगा, क्योंकि इतने लोग हैं देश में और इतना मैसेज और इतना वो संदेश आता है, तो हर किसी को नहीं दिया जा सके, क्यों ये उपलब्ध नहीं, बहुत मामूली उपलब्ध होता है, वो भी एक विशेष समय पर ही उपलब्ध होता है, और उसमें भी भाग्यवश उपलब्ध हो जाए और नहीं हो ना हो, तो ये रहता है। तो लेकिन चूँकि हम जरा मंदिरों से जुड़े हुए हैं, नज़दीकी से, विशेषकर माँ भवानी से और ईश्वर से थोड़ा सा निकटता है, इसी प्रकार से रुद्राक्ष हैं, तो रुद्राक्षों का हम यहाँ 5 मुखी का चित्र और फोटो, या 4 मुखी भी हैं उसमें कुछ,
पांच मुखी का हम फोटो और वीडियो यहाँ पे अपनी आने वाली फिल्म में दिखाएंगे, तो उसके क्या फल हैं, क्या उपयोग हैं, ये सब भी बताएंगे। हर चीज़ का फल उपयोग भी बताने का प्रयास करेंगे। और वैसे एक मुखी से लेकर के और 14 मुख तक के रुद्राक्ष उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उनके सबके वो अलग अलग हैं दाम। मैंने बताया ना, उपलब्धता के हिसाब से और प्राप्ति के हिसाब से, तो उस हिसाब से कई चीज़ें फैक्टर, कई फैक्टर होते हैं जो कि दामों को निर्धारित, कई कभी उपलब्ध नहीं होते, नहीं होते हैं तो फिर नहीं होते हैं, होते हैं तो होते हैं जितने होते हैं थे। ऐसे ही हत्था जोड़ी का रहता है, या बिल्ली की जो आमल यानी बिल्ली की जो जेर होती है उसका भी रहता है, और भी तमाम चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। तो जहाँ तक है विशेष अभिमंत्रित धूप पत्ती या अभिमंत्रित अगरबत्ती, ये तो अवश्य मनुष्य को मंगा के रखना चाहिए, और अपनी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ही किसी चीज़ को मंगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है हमें किसी शुभ कल्याणकारी और मंगल कार्यों के लिए किसी चीज़ की, और मंगा लिया मारण के लिए या उच्चाटन वशीकरण या ऐसी चीज़ों के लिए कोई चीज़ मंगा ली, तो वो नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरत है वह वही मंगाना चाहिए, क्योंकि असर इनके खतरनाक होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं और इतना तेज़ असर करते हैं कि वो जो है काबू में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसको कोई भी काबू फिर कर नहीं सकता। इसलिए सोच समझ के किसी चीज़ का प्रयोग और इस्तेमाल करना चाहिए। अब दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें तमाम उपलब्ध हो जा सब हो जाता है। जैसे कुछ लोग दो मुँहें सांप के लिए, या जिसे दो मुँह सांप जनरली ये लोग पुकारते हैं, दिल्ली मुंबई और चेन्नई कलकत्ता वाले, इंदौर वाले या गुजरात, इधर बंगाल बंगाल के लोग, तो वैसे उसे यहाँ पे कुचलैंड भी कहा जाता है, उसका नाम दूसरा नाम है कुचलैंड। अब अभी कुछ दिन पहले हमारे करीबन 6-7-8 हाथ लंबी 15 दिन तक हमारे पास में बैठी रही, और वो हमारी सारी जितनी भी लौंग और इलायचियाँ थी उनको सबको चट करके खा गई, और यहीं पे 15 दिन हमारे पास मौजूद रही। तो कहने का कुल तात्पर्य ये रहता है कि हमने उसको फिर भी नहीं पकड़ा, जबकि वो लोग दाम लगाते हैं, 2 करोड़ लगाता है कोई, 10 करोड़ रुपया लगाता है कि आप एक उपलब्ध करवा दो, तो वो फुट के हिसाब से दाम लगाते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 6-7-8 हाथ लंबी जो दोमी रही होगी हमारे पास में घूम बैठी रही, और सारे वो केवल इलायची और लौंग इनको ही चट कर गई, पूरा उसने कटोरी ऐसे साफ कर दी जैसे बिल्कुल धो दी हो। तो लेकिन हमने उसको फिर भी नहीं पकड़ा, क्योंकि हम आपको विशेष बात बता दें कि तोमरों में या पांडवों में, पांडव ही तोमर हैं, तो इनको अभय प्राप्त है, हम लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको छूते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं और इनको बेचते नहीं हैं। इसलिए जो भी बार बार फोन करके या किसी अन्य तरीके से 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक के दाम लगा देते हैं, तो दो मुँह सांप वगैरह ये हमारे यहाँ बहुत हैं, और विशेषकर ये तोमर राजपूतों का क्षेत्र है, तो इस तोमर घर में बहुत संख्या में हैं, काफ़ी हैं, लेकिन अभय प्राप्त हैं, इनको कोई छूता नहीं है, पकड़ता नहीं है, ये आज़ाद स्वच्छंद और स्वतंत्र विचरण करते हैं, और इन ये पास आ जाएं तो इनकी पूजा की जाती है, इनकी हम लोग पूजा उपासना करते हैं। इसी प्रकार से गाय और उसका बच्चा यानी गौ बच्चा, इनकी रक्षा, तो गौ बच्चा रक्षा का जो निशान है ये तोमरों का यानी पांडवों का, ये राजचिन्ह है, ये अभय प्राप्त हैं, इन लोगों को हम लोग खूंटा पर नहीं बांधते, खूंटा नहीं देते इनको, स्वच्छंद और स्वतंत्र विचरण रहता है, इनको जो खिला पिला सकते हैं, जो
खिलाना पिलाना चाहिए, वो बस खिलाते पिलाते हैं या चारा डालते हैं जो भी है। तो ऐसी कई एक बातें हैं, तो कई चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे फिल्म में, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें बची जाएंगी बहुत, क्योंकि पूरी सब चीज़ों की फिल्म नहीं बनाई जा सकती। ऐसी ऐसी दुर्लभ सामग्रियां हैं और हमें प्राप्त हो जाती हैं, ये हम पर ईश्वरीय कृपा है, दैवीय कृपा है, प्रभु का साक्षात साथ है और माँ भवानी का तो सिर पे सवार 24 घंटा रहती ही हैं। तो अब जो है और जैसे उपलब्ध हो सकेगा उसके लिए इस फिल्म में भी जिक्र कर देते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर देख लें, वहाँ पर आप बुक करवा सकते हैं, या ग्वालियर टाइम्स ऑनलाइन शॉप के नाम से फेसबुक पर भी पेज है और एक ब्लॉग भी है, ई कियोस्क के नाम से है, और ज्योतिष तंत्र के नाम से भी एक ब्लॉग है, और फेसबुक पर ही ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र के नाम से पेज भी है। इसके अलावा ककनमठ कामाख्या आश्रम के नाम से फेसबुक पे पेज है, और एक पेज है इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि पहले वर्षों पहले याहू पर एस्ट्रोलॉजर्स इंडिया के नाम से चलता था, जिस पे बहुत से बड़े बड़े लोग और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विश्व की अरबपति खरबपति जुड़ी हुई थी, और वो ज्योतिषी और वो तमाम वहाँ पर सलाह भी लेते थे और चीज़ें भी मंगवाते रहते थे। तो याहू का वो बंद कर दिया, फेसबुक पे वो पेज है, और आप ग्वालियर टाइम्स वेबसाइट को जब देखें उसमें भी ये उपलब्ध रहेगा। आप इसे नगद अकाउंट में पैसा जमा करके मंगवा सकते हैं, और दूसरा जो है पेपल के द्वारा भी पैसा जमा कर सकते हैं, तीसरा जो है इसको भीम एप्लीकेशन के द्वारा डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी वायर भेज सकते हैं, आप और भी कई तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पैसा भेज सकते हैं और अपनी चीज़ बुक करवा सकते हैं। एक चीज़ और, कुछ चीज़ें अभिमंत्रित की जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जिसमें उसको अपना नाम और माता पिता का नाम ये बताना होगा, तो वो चीज़ उस व्यक्ति विशेष के लिए ही अभिमंत्रित होती है, अन्य किसी व्यक्ति वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, बातें हैं, तो वो हम उस फिल्म में आप पूरा जिक्र बताएंगे। आप अभी फ़िलहाल ये जो है सो उसे देखिए, अभी तो ये झलक है, तो फिल्म पूरी एक बाद में आएगी, तो इस ट्रेलर टाइप को देखिए। और बुकिंग के लिए हम बता चुके हैं, ग्वालियर टाइम्स ऑनलाइन शॉप फेसबुक पे भी पेज है और हमारी वेबसाइट पर भी है, और ई कियोस्क के नाम से भी फेसबुक पे है और वहाँ भी है, और ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र के नाम से है। तो ग्वालियर टाइम्स वेबसाइट पे आप सारी लिंक को जब टटोलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और उसके अलावा gwaliartimes.in ये वेबसाइट है। तो बात बाकी का तो अगली फिल्म में, जब जो फिल्म वो आएगी उसमें बताएं। फिलहाल आप ये भवानी अष्टक और फिर महालक्ष्मी अष्टक आने वाला है, श्री सूक्त आने वाला है, ये फिल्में चलेंगी, उसके बाद में उस फिल्म को दिखाया जाएगा। और ये जो अभिमंत्रित वो रहती हैं, ये धूपबत्ती अगरबत्ती कड़े छल्ले और भी कई तमाम चीज़ें हैं, लॉकेट्स रहते हैं तो पेंडल्स रहते हैं, फिर कुछ रत्न हैं, तो रत्नों का जिक्र के लिए अलग से फिल्म हम लाएंगे। कुछ मालाएं, मालाएं क्या अलग अलग प्रकार की रहती हैं, हकीकी मालाएं अलग हैं और असल रत्नों की मालाएं अलग हैं, और वैकल्पिक रत्नों की मालाएं अलग हैं या अंगूठियाँ अलग हैं, तो उनके सबके दाम भी धीरे धीरे फिल्म में आ जाएंगे या हमारे उन पेजों पे उपलब्ध हो जाएंगे, फेसबुक के पेजों पे, फेसबुक के समूहों में, या हमारी वेबसाइट पर, या हमारे ब्लॉग्स पर, तो जहाँ भी जानकारी आएगी आप वहाँ देख लें। धन्यवाद।
मैं नरेंद्र सिंह तोमर अपनी इस बात को कहके अब आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम।